स्टेशन पे पास जा रहे हैं और देखते हैं हमारा सामान है कि नहीं। हम चावल लेने आए हैं अपने रूम से, जो कि हमारा चावल खत्म हो गया था। आइए आप लोग को दिखाता हूँ बेतिया का बस स्टैंड। ये है बेतिया का बस स्टैंड, जो कि बारिश में यहाँ तो बहुत पानी लग जाता है, बट अभी बढ़िया है। और अपना बस अभी ढूंढते हैं कि कहाँ है हमारा बस। साइड लगता है सुपर VIP, एक सुपर VIP तो दिख रहा है भाई। अरे यहाँ पे दो दो सुपर भी है, तीन है बहुत सारा। अब देखते हैं अपना बस कौन सा है। बस आके चला भी गया है यहाँ से, अब देखिए कब तक आता है। लेकिन बस तो जाता नहीं है, बट आज चला गया पता नहीं क्यों। अब देखिए 3 बजे बोला है, 3 बजे आते हैं फिर। कहाँ जा रहे हैं? बस स्टैंड जाइए, हम लोग का चावल नहीं आया। ये छोटा सा गंगा है बेतिया का तालाब, और ये बस स्टैंड से पीछे से निकलने का रास्ता है। और बेतिया के सबसे बड़ा कूड़ादान यहीं पे है। आइए आप सबको दिखाते हैं कितना कचरा भरा होता है। बारिश के टाइम पे यहाँ पर तो बहुत ही गंदगी हो जाती है। यहाँ पे बेतिया का सारा कचरा होता है। आप देख सकते हैं इधर भी बहुत दूर दूर तक कचरा फैला हुआ है। ये सड़क बीच में है, जो कि बरसात के टाइम पर काफ़ी गंदगी हो जाती है। और इधर भी कचरा है, देख लीजिए बरसात में पूरा पानी लग जाता है सड़क पर भी। ये बेतिया का ITI है, ITI रोड। अगर आपको कभी ITI आना हो घूमने के लिए, ऑटो वाले को बोलिएगा, वो आपको यहाँ तक छोड़ आएगा। कुछ ही देर में हम अपने रूम में पहुँचने वाले हैं।